हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस वर्कशीट फॉर क्लास वन। इससे पहले हमने क्लास वन के लिए मैथ्स की वर्कशीट डिस्कस की है और इंग्लिश की वर्कशीट डिस्कस की है। उसके बाद आज हम ईवीएस की वर्कशीट डिस्कस करेंगे। इन वर्कशीट से बच्चों को क्या फ़ायदा होने वाला है, अगर आप इनको घर पर उनसे प्रैक्टिस कराते हैं तो उनके बहुत सारे टॉपिक इन वर्कशीट के थ्रू आप क्लियर करा सकते हैं। जिसमें बच्चा वीक है आप उस टाइप के क्वेश्चन उस वर्कशीट में डालें, बच्चा जब उसको प्रैक्टिस करेगा तो उसका वो टॉपिक खुद पे खुद इम्प्रूव हो जाएगा। तो अब हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर एंड क्रॉस आउट द रॉन्ग वन। इन सेंटेंस जो हमें ये दिए हुए हैं, इनमें से हमें देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जो सही है उस पर टिक लगाना है और जो रॉन्ग है उस पर क्रॉस लगाना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन समर सीजन वी फील वेरी कोल्ड। समर सीजन कौन सा सीजन होता है? गर्मियों का सीजन। तो गर्मियों के सीजन में हमें ठंड लगती है? नहीं, इट्स रॉन्ग। वी ड्रिंक कूल ड्रिंक इन विंटर सीजन। विंटर सीजन कौन सा सीजन होता है? ठंड वाला। तो ठंड में हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं? नहीं, कोल्ड ड्रिंक हम कब पीते हैं? समर्स में। ये हमारा रॉन्ग है। द नेक्स्ट है, वी कुक फूड इन किचन। हम खाना किचन में बनाते हैं? यस, तो टिक लगाएंगे इस पे। वी गो टू द हॉस्पिटल व्हेन वी फॉल सिक। जब हम बीमार होते हैं तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, जाते हैं ऑब्वियसली, तो इट्स करेक्ट। ए बार्बर ट्रिम्स आर हेयर। एक बार्बर हमारे बाल कट करता है, इट्स ऑल्सो ट्रू। तो इस टाइप से हम ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में बच्चों को कुछ इस टाइप के सेंटेंस देंगे, लाइक ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे। तो वो उसको देखेगा कि कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग, वो उससे गुड मैनर्स भी सीखेगा और उसको प्रैक्टिस भी कराएंगे इससे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, उसमें से हमें इनके लिए सबके लिए एक एक दो दो एग्जाम्पल लिखने हैं। लाइक मिल्क एनिमल। मिल्क एनिमल कौन से होते हैं जिनसे हमें मिल्क मिलता है? लाइक काओ, बफेलो, गोट। इसमें आप कुछ भी एनिमल का नाम लिख सकते हैं जिनसे हमें मिल्क प्राप्त होता है। देन नेक्स्ट है वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल कौन से होते हैं जो जंगल में रहते हैं? लाइक लॉयन, टाइगर, एलिफेंट। इस टाइप से हम एनिमल्स के नाम बताएंगे बच्चों को। देन नेक्स्ट है वेजिटेरियन फूड। वेजिटेरियन फूड कौन सा होता है जो हमें प्लांट्स वगैरह से मिलता है? तो वेजिटेरियन फूड में हम वेजिटेबल का, कोई भी वेजिटेबल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फिर खाने का, लाइक हम स्पिनक। स्पिनक, स्पिनक किसको बोलते हैं? पालक को। स्पिनक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विंटर क्लोथ्स। विंटर में हम क्या क्या वियर करते हैं? जैकेट, कैप। जैकेट, कैप, स्वेटर, इन सब के नाम लिख सकते हैं। देन नेशनल बर्ड। नेशनल बर्ड कौन सा है हमारा? पिकॉक। तो यहाँ पे पिकॉक लिखेंगे। तो इस टाइप से हम बच्चों की जीके भी ईवीएस में क्लियर करा सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव वन वर्ड आंसर। इसमें हमें एक वर्ड में आंसर देना है। हमें कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, हमें उनको रीड करना है, देन उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हेल्प अस टू लर्न। हमें लर्न करने में कौन हेल्प करते हैं? हमारे टीचर्स। टीचर्स हमें लर्न कराने में हेल्प करते हैं। देन नेक्स्ट है मेंड्स आर शूज। हमारे शूज को कौन सही करता है? इट्स कोबलर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रो क्रॉप्स फॉर अस। क्रॉप्स ये फसल जो होती है जो हम खाते हैं, ग्रेन्स वगैरह, ये कौन ग्रो करता है? इट्स फार्मर। देन नेक्स्ट है कंट्रोल द ट्रैफिक। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस होती है जो ट्रैफिक को कंट्रोल करके रखती है, तो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस लिखेंगे। देन नेक्स्ट है प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स एंड रोबर्स। चोरों से और लुटेरों से कौन बचाता है? पुलिसमैन। तो यहाँ पे हम पुलिसमैन लिखेंगे। तो इस टाइप से हम बच्चों को कुछ सोशल वर्कर्स के बारे में सिखा सकते हैं। नाउ हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैच द फॉलोइंग। हमें इन टॉपिक को रीड करना है, इनके अकॉर्डिंग इनके प्लेयर्स के साथ हमें इनको मैच करना है। लाइक मेडिसिंस। मेडिसिंस कौन देता है? डॉक्टर। तो डॉक्टर से मैच करेंगे। पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स कहाँ होता है? पोस्ट ऑफिस में। ब्रोकन स्लीपर। जो हमारे स्लीपर्स टूटे हुए हैं उनको कौन ठीक करता है? कोबलर। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था ये। प्ले, खेलने के लिए हम कहाँ जाते हैं? पार्क में। देन नेक्स्ट है क्रेट ऑफ एग फ्रूट। फ्रूट और एग के कैरेट, ये कहाँ मिलते हैं? सुपरमार्केट में। तो सुपरमार्केट से इसको मैच करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो।
हमें कुछ हिंट दी हुई है, इनका यूज करके हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवर योर माउथ व्हाइल स्नीजिंग एंड फिल इन द ब्लैंक एंड योनिंग। हमें अपने माउथ को कवर रखना है किस टाइम पे? स्नीजिंग, जब हमें छींक आती है। फिल इन द ब्लैंक एंड योनिंग, योनिंग जब हमें योनिंग करनी होती है तो भी मुंह को कवर करना है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? कफिंग। कफिंग के टाइम पे भी हमें फेस को कवर रखना होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईट स्लोली एंड फिल इन द ब्लैंक फूड वेल। धीरे धीरे खाओ एंड च्यू, अच्छे से चबाना चाहिए फूड को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी शुड ड्रिंक फिल इन द ब्लैंक ग्लासेज ऑफ वॉटर एवरी डे। एक दिन में हमें कितने ग्लास पानी पीना चाहिए? 7 to 8। तो यहाँ पे हम 7 to 8 ग्लास ऑफ वॉटर लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी शुड नॉट स्किप आवर। हमें क्या स्किप नहीं करना चाहिए? हम अपने ऑप्शन में देखते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, कवर्ड और ब्रेकफास्ट। तो हमें क्या स्किप नहीं करना चाहिए? ब्रेकफास्ट। यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट लिखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईट फूड दैट इज कैप्ट फिल इन द ब्लैंक। वो खाना खाना चाहिए जिसको हमने ऑप्शन में देखते हैं कि इसमें क्या आएगा। हमारा वन एंड लास्ट ऑप्शन बचा है कवर्ड, तो हम उसमें कवर्ड फिल करेंगे। तो यहाँ पे हम कवर्ड लिखेंगे, ईट फूड दैट इज कैप्ट कवर्ड। उस खाने को खाओ जिसको कवर करके रखा हुआ है। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग। जो हमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, एमसीक्यू टाइप से बच्चों को क्वेश्चन दिए जाते हैं ईवीएस में, हमें इनको रीड करना है और करेक्ट पे टिक लगाना है। वी गेट सीरियल्स फ्रॉम, सीरियल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से, प्लांट से मिलते हैं ना सीरियल्स। सीरियल्स किसको बोलते हैं? लाइक गेहूं, ग्रेन्स वगैरह को, या फिर दाल, इनको सीरियल्स बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी शुड थ्रो वेस्ट। हमें वेस्ट कहाँ फेंकना चाहिए? इन फ्रंट ऑफ हाउस, नो। ऑन द फ्लोर, नो। इन डस्टबिन, यस। डस्टबिन में डालना चाहिए हमें वेस्ट को। बिहाइंड द हाउस, नो। यहाँ पे डस्टबिन आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी होल्ड थिंग विद आर। हम चीजें कैसे पकड़ते हैं? हमने पेंसिल कैसे पकड़ी हुई है? हाथों से। तो यहाँ पे हैंड्स पे टिक लगाएंगे। किससे होल्ड करते हैं हम चीजों को? हैंड के थ्रू। तो यहाँ पे हैंड पे टिक लगाएंगे। आई होप आपको वर्कशीट पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो।